दोस्तों तारीख थी 16 सितंबर 2000। यूके में पैदा होने वाली कैथरीन जुहू ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पैदा होने भर से एक इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, जिसमें यूके की कोर्ट से लेकर ईयू के देश भी शामिल होंगे और आखिर में इनमें से एक देश को तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना पड़ेगा। क्या हुआ था इस कहानी में, आइए जानते हैं अपनी आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत कैथरीन जुहू से होती है, जिसकी माँ मैन लेवेटे चेन एक चाइनीज सिटीजन थी जो कि उस समय यूके में रह रही थी। लेकिन चेन के लिए जरूरी था कि उसकी बेटी को चाइनीज सिटीजनशिप ना मिले, जिस वजह से उसने एक लूप होल का सहारा लिया। हम सभी जानते हैं कि आइलैंड ऑफ आयरलैंड के दो हिस्से हैं। पहला है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है, और फिर दूसरा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि एक अलग देश है। अब क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में रहने वाले लोग एक ही तरह के हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी सेम है, इसलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर वो बच्चा जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में पैदा होगा उसे आयरिश सिटीजन मान लिया जाएगा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पेरेंट्स की सिटीजनशिप को लेकर कोई अलग से रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और ऐसे ही कई दूसरी कंट्रीज के भी लॉज थे। भारत में भी 1987 तक पैदा होने वाले हर बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन फिर हमने इस लॉ को बदल दिया। खैर दोस्तों वापस कैथरीन की कहानी पर लौटें, तो उसकी माँ चेन उस वक्त यूके के कार्डिफ में रह रही थी, और अगर कैथरीन का जन्म वहाँ पर होता तो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती, जिस वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में रहने लगती है जो कि यूके का ही पार्ट है। अब कैथरीन के पैदा होने के बाद उसकी आयरिश सिटीजनशिप के लिए पेपर वर्क फाइल किया जाता है और ये फैमिली वापस कार्डिफ मूव कर जाती है। अब यहाँ से पहली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब क्योंकि आयरलैंड और यूके दोनों ही उस समय यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा थे, इसलिए नेचुरली कैथरीन अब ईयू की सिटीजन भी बन जाती हैं, और ईयू के सिटीजन के पास किसी भी ईयू कंट्री में रहने, काम करने और फ्रीली वीजा फ्री मूवमेंट का अधिकार होता है। अब यहाँ परेशानी ये थी कि अगर कैथरीन एक आयरिश और ईयू सिटीजन है तो क्या उसकी माँ चेन को भी ये सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि उसे भी कैथरीन का ख्याल रखना है। जब चेन ने अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो उसकी रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट कर दी गई थी। जी हाँ, जिसके बाद उसने होम सेक्रेटरी पर केस कर दिया। अब इस केस ने उस वक्त काफी मीडिया अटेंशन ग्रैब की थी, क्योंकि एक तरफ लोगों को माँ दिख रही थी जो कि अपनी बच्ची के साथ उसी देश में रहने का अधिकार चाह रही थी जहाँ वो सिटीजन है, यानी ईयू में, और दूसरी तरफ इस स्टोरी को एक ऐसी औरत की कहानी के तौर पर देखा जा रहा था जिसने बहुत ही चालाकी से अपनी बेटी को आयरिश सिटीजनशिप दिलवाकर अपनी सिटीजनशिप का रास्ता क्लियर कर लिया था। अब यहाँ पर स्टोरी की एक और लेयर खुलती है। अगर आप चेन के बैकग्राउंड को देखेंगे तो वो एक काफी अमीर औरत थी जो कि यूके में रहने का राइट तो चाहती थी, लेकिन उसका प्लान यूके में नहीं बल्कि चीन में ही रहने का था, और यहाँ से इस कहानी में चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की एंट्री होती है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि चीन में 1980 से 2015 तक एक स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी थी, और एक से ज्यादा बच्चे करने का मतलब था कि बाकी बच्चों को उनके फंडामेंटल राइट्स शायद ना दिए जाएं। अब क्योंकि चाइनीज लॉ को इस तरह डिजाइन किया गया था कि चीन की पॉपुलेशन को कम रखा जाए, इसलिए सरकार को इस चीज से कोई मतलब था ही नहीं कि जिन बच्चों के पास फॉरेन सिटीजनशिप है उनका क्या करना है। यही वजह थी कि मैन चेन और उनके हस्बैंड जो कि उस समय चीन के जुहाई में रहते थे और काफी अमीर भी थे, अपने पहले बच्चे के बाद एक और बच्चा चाहते थे, पर चाइनीज लॉज के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन वो यूके की एक केमिकल कंपनी में बड़े शेयर होल्डर्स भी थे और वहाँ उनका आना जाना होता रहता था, इसलिए अब चेन को प्रेग्नेंट हुए 5 महीने हो गए थे तब वो यूके चली गई। चेन चाहती थी कि किसी यूरोपियन यूनियन की कोर्ट में ही इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि वही ईयू लॉ पर रूलिंग दे सकते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें यूके की लोअर कोर्ट्स में इस केस को फाइल करना था ताकि वो इसे आगे ईयू की यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ईसीजे को रेफर करते। अब इस प्रोसेस में भी कई सालों का वक्त लग जाता, लेकिन चेन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पहली ही हियरिंग में होम सेक्रेटरी कोर्ट में नहीं पहुंचे और गुस्से में आकर जज ने इस केस को डायरेक्टली ईसीजे को रेफर कर दिया। ईसीजे में जब ये केस पहुंचा तो उन्होंने डिसाइड किया कि कैथरीन की आयरिश और ईयू सिटीजनशिप के कारण उसे हर एक ईयू कंट्री जिसमें यूके भी शामिल है उसमें रहने का अधिकार है, और अपनी बेटी की सिटीजनशिप के कारण उसकी माँ को भी यूके में रहने का अधिकार है। लेकिन इस केस और उसकी रूलिंग ने एक अलग ही डिबेट छोड़ दी थी दोस्तों, जिसके सेंटर में था पर्थ टूरिज्म।
बर्थ टूरिज्म उसे कहते हैं जब लोग अपने बच्चों के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की सिटीजनशिप लेने के लिए वहां ट्रैवल करते हैं और कुछ केसेस में तो अपने बच्चों की सिटीजनशिप के कारण वो भी सिटीजनशिप ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों अब बहुत से देश सिर्फ बर्थ राइट के आधार पर सिटीजनशिप नहीं देते, बल्कि वो ये कंडीशन लगा देते हैं कि कम से कम एक पेरेंट का पहले से वहां पर सिटीजन होना बहुत जरूरी है। खैर, कैथरीन के केस ने भी सभी EU मेंबर स्टेट्स में ये डर फैला दिया था कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस लूप होल का फायदा उठाकर आयरलैंड के रास्ते EU में एंटर करने की कोशिश करेंगे। कैथरीन से पहले भी कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें इसी तरह का सिटीजन बनाया गया था और अब ये इमिग्रेंट्स के बीच में एक कॉमन टैक्टिक बनती जा रही थी। बर्थ टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, US और कनाडा जैसे देशों में यह बहुत पहले से ही हो रहा था। टर्की, नाइजीरिया और यहाँ तक कि रशियन सिटीजन्स भी इसी तरह वहाँ पर सिटीजनशिप राइट्स ले रहे थे। इसके साथ अभी हाल ही में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद बहुत सारे रशियंस ऐसे भी हैं जो अर्जेंटीना जैसे देशों में चले गए जहाँ अभी भी बर्थ राइट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इस बर्थ टूरिज्म की वजह से इन देशों को बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे कि कनाडा जहां पर हेल्थ केयर लगभग फ्री है, उनके हेल्थ केयर सिस्टम पर इन लोगों की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था। इसके अलावा इस बर्थ टूरिज्म के कारण सिटीजनशिप की वैल्यू भी गिरती जा रही थी, क्योंकि अब कोई भी अमीर आदमी चाहे तो बर्थ टूरिज्म के जरिए अपने बच्चे को इन देशों का नागरिक बना सकता था। आज भी दोस्तों ये बर्थ टूरिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है और उस समय भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था। अब इस ECJ के वर्डिक्ट के बाद आयरलैंड में भी ये मांग तेज हो गई कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को अबॉलिश कर दिया जाए और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात कही। 2004 में इस पर वोटिंग हुई और 70% से ज्यादा लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के हक में थे और इस तरह आयरलैंड ने 27th अमेंडमेंट को पास कर दिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, पिछले कुछ सालों में आयरलैंड ने इस डिबेट में नया रंग पकड़ा है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के कारण बहुत सी दूसरी परेशानियां भी खड़ी हुई थी। 2018 में एक 9 साल के बच्चे का केस सामने आता है जो आयरलैंड में ही पैदा हुआ था और जब वो 9 साल का था तो उसे अपनी माँ समेत वापस चीन डिपोर्ट कर दिया जा रहा था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो बच्चा कभी चीन गया ही नहीं था, ऐसे में उसे ना उस कल्चर के बारे में कोई आइडिया था और ना ही वो कल्चर उसके लिए नेचुरल था। उसकी माँ पर इल्जाम ये था कि वो अपना वीजा खत्म होने के बाद भी आयरलैंड में ही रह रही थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ रहने की परमिशन नहीं दी जा सकती थी। अब एक तरह से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि क्योंकि लॉ के मुताबिक ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी लॉ का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को रोके और लोगों के भले के लिए बनाया जाए। अगर ऐसे समय में दोस्तों किसी 9 साल के बच्चे को एक ऐसे देश में डिपोर्ट कर देना जहां वो कभी नहीं गया लीगली सही भी हो सकता है तो वो गलत भी है, क्योंकि ये उस बच्चे की चॉइस नहीं थी। और स्पेशली हम यहां एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां ना लोगों के पास डेमोक्रेसी है और ना फ्रीडम। ऐसे एक नहीं बल्कि कई केसेस हाल ही के वक्त में सामने आए हैं जिन्होंने फैमिलीज को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ सिस्टम को चीट करने के लिए नहीं आते हैं। अब कैथरीन की बात करें तो केस जीतने के बाद उसके पेरेंट्स उसे वापस चीन ले गए, जिसके कुछ सालों बाद फाइनली वो अमेरिका में आकर ही सेटल हो गए। आयरलैंड में इतने सालों के बाद अब एक दूसरी मुहिम शुरू हो गई है जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप को वापस लेने की मांग की जा रही है और ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। इससे आयरलैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और EU की पॉलिटिक्स में कितना फर्क पड़ेगा ये तो अभी देखने की बात है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या सिटीजनशिप जन्म के आधार पर देनी चाहिए या फिर पेरेंट्स की सिटीजनशिप के आधार पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।